और RSI जो हमें नीचे से अप की तरफ का मूवमेंट दे, डाउन साइड से अपवर्ड डायरेक्शन में जाता हुआ मूवमेंट दिखाए, तो ऐसे जगह पे हम क्या करेंगे, एक मिनट का अप ट्रेड प्लेस करें। ठीक है, ये हो गया आपको कहाँ अप ट्रेड प्लेस करना और कहाँ आपको डाउन ट्रेड प्लेस करना है। हाय दोस्तों, स्वागत है आपका एक YouTube वीडियो में। और देखिए, जो स्ट्रेटजी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, उसी बेसिस पे मैंने $1000 का ट्रेड लगा रखा है और देखिए ट्रेड हमारे साइड ही चल रही है। अब मैं बताऊंगा आपको स्ट्रेटजी सेटअप कैसे करनी है, स्ट्रेटजी काम कैसे करती है, ठीक है, और बहुत ही शानदार ये स्ट्रेटजी होने वाली है। देखिए, हम $1000 का ट्रेड लिए थे, हम विन कर चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए यहाँ पे 2 EMA लिया मैंने, पैरापोलिक लिया RSI। सारा सेटअप मैं आपसे बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाना है कैंडल पैटर्न पे, आपको हिकनाई ऐसी कर लेना अगर आपने जैपनीज रखा है। उसके बाद आपको जाना है ए वाले सिंबल पे, आपको इंडिकेटर पे क्लिक करना है और 2 EMA लेना है आपको। 1 EMA सिलेक्ट किया आपने, फिर से ओपन इंस्ट्रूमेंट करो, 1 EMA और सिलेक्ट कर लो। ठीक है, पैराबोलिक लेना है आपको, तो ओपन इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करो, पैराबोलिक ले लो। ठीक, फिर से आपको एक ऑसिलेटर लेना है जिसका नाम है RSI। ठीक है, वो आपको नीचे मिलेगा, ऑसिलेटर पे जाइए और आपको मिलेगा यहाँ RSI। ठीक है, अब सब में कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहे हैं। चलिए, EMA 20 को आपको कर लेना है इसके पीरियड को 50, और EMA 20 वाले को कर लेना है आपके इसके पीरियड को 5। और कलर हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेंगे और थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा देंगे। पैराबोलिक को 0.06 कर लेना है। ठीक है, उसके बाद RSI में भी चेंजेस कर लेना है आपको, 9 को 14 को आपको 9 कर लेना। ठीक है, ये सारा सेटअप होने के बाद अब आप देखोगे कि आपको ट्रेड कैसे लेना है। ठीक है, पहले मैं डाउन ट्रेड की बात कर लूँ। जब 50 EMA येलो वाली जो है 50 EMA की लाइन है, और ये स्काई ब्लू वाली जो लाइन है ये 5 EMA की है, तो 5 EMA वाली लाइन जब 50 EMA की लाइन को क्रॉस करके नीचे आए, क्रॉस करके कहाँ आए, नीचे आए, ठीक पैराबोलिक के डॉट कैंडल के ऊपर से मिले। पैराबोलिक के डॉट आपको कहाँ से मिले, कैंडल के ऊपर से। ठीक है, और RSI कहाँ जाता हुआ मिले, नीचे मिले। RSI का मूवमेंट क्या मिले आपको, डाउन साइड में मिले। तो ऐसे टाइम पे आप क्या करोगे, 1 से 2 मिनट के लिए डाउन का ट्रेड प्लेस करोगे। ठीक है, तो यहीं पे हमने ट्रेड प्लेस किया था और इजीली हम विन भी किए हैं, तो हो गया डाउन के लिए। अब देखिए यहाँ पे आपका ट्रेड कैसे लेना है, जब EMA 5 वाली लाइन यानी स्काई ब्लू वाली लाइन EMA 50 यानी येलो वाली लाइन को क्रॉस करके अप जाए, क्रॉस करके अप जाए और पैराबोलिक के डॉट कैंडल के नीचे से मिले और RSI जो हमें नीचे से अप की तरफ का मूवमेंट दे, डाउन साइड से अपवर्ड डायरेक्शन में जाता हुआ मूवमेंट दिखाए, तो ऐसे जगह पे हम क्या करेंगे, 1 मिनट का अप ट्रेड प्लेस करें। ठीक है, तो ये हो गया आपको कहाँ अप ट्रेड प्लेस करना और कहाँ आपको डाउन ट्रेड प्लेस करना है। ठीक है, और 1 से 2 मिनट का ट्रेड आप इजिली ट्रेड प्लेस कर सकते हो। ठीक है, आप देखिए बहुत अच्छे से स्ट्रेटर्जी काम करती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे कट मिला। और एक चीज़ और है, मार्केट के बिहेवियर के हिसाब को भी देखोगे आप, और मार्केट यहाँ कट कर रहा है, अपर जा रहा है, नीचे से अप जा रहा है, तो कैंडल कैसा होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए, और अगर अप से डाउन आ रहा है तो कैंडल कैसा होना चाहिए, रेड होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत अच्छे से स्ट्रेटर्जी काम करती है। अभी मैंने $1000 का ट्रेड भी लेके आपको दिखाया, देखिए अभी हमने विन किया है $1000 वाला ट्रेड। ठीक है, अब देखिए ये RSI ये नीचे आ रहा है, RSI भी नीचे आ रहा है, आप कहोगे एकदम क्लियर व्यू है कि मार्केट बहुत नीचे आ रहा है, लेकिन मैं कहूंगा ऐसे टाइम पे ट्रेड मतलब आप ट्रेड सिर्फ कट वाले सेक्शन पे, जहाँ एक कर्व टाइप वाला कट मिले आपको, वहीं पे आप ट्रेड प्लेस करो। ठीक है, और दोस्तों अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, VIP टेलीग्राम चैनल, तो लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब शुरू देखते हैं अगली। अब देखिए यहाँ पे पैराबोलिक डॉट नीचे अचानक से RSI ने मूवमेंट लिया, मार्केट अब जाने लगा। तो मैं वही चीज आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जब तक आपको कट ना मिले, जब तक आपको एक कट वाला सेक्शन ना मिले, तब तक आपको ट्रेड प्लेस नहीं करना है। ये चीज दिमाग में आप हमेशा रखिए अपने। देखिए यहाँ पे पैराबोलिक ऊपर से डॉट दे रहा, RSI संभल गया, मार्केट अब जाने लगा। तो जो भी 3-4 कंडीशन हमने बताया है, क्या बताया है कि जब तक मार्केट इसको कट करे, स्काई ब्लू वाली लाइन येलो वाली लाइन को कट करे, पैराबोलिक के डॉट नीचे से मिले, RSI नीचे से ऊपर की ओर जाता मिले, 4 कंडीशन हो गए, 4 कंडीशन फुलफिल हो तभी आप ट्रेड प्लेस करेंगे। ठीक है, ये डाउन के लिए हो गया आपके लिए, देखिए कितना बढ़िया मोमेंट मिला था। और एक चीज और, RSI थोड़ा सा पहले ही आपको इन्फॉर्म कर देता है, RSI थोड़ा पहले ही इन्फॉर्म कर देगा आपका डायरेक्शन, और उसके थोड़ा आगे चल के तब कट मिलेगा आपको EMA लाइन का। ठीक है, फर्स्टली फोकस करो आप RSI पे, RSI देखो किधर जा रहा है, फिर उस हिसाब से आप देखोगे कि EMA की लाइन, RSI अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो EMA स्काई ब्लू वाली लाइन येलो वाली लाइन को नीचे से ऊपर की ओर कट करेगी, और RSI डाउन का डायरेक्शन दे रहा है तो EMA वाली लाइन इसको ऊपर से डाउन की साइड कट करेगी। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है आपको स्ट्रेटर्जी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, बहुत ही आसान स्ट्रेटर्जी, और फर्स्टली आप डोमे अकाउंट पे करो, कोई जरूरत नहीं आप लाइव अकाउंट पे ही करो फर्स्ट ऑफ। ठीक है, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।